शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर आबादी जीवनपुरा खुर्द में दरिंदा सिफ्त ने 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला मौका पर पहुंचे तो बच्ची खून में लथपथ पड़ी थी, जबकि मुलजिम फरार हो गया था। रिश्तेदारों ने बदनामी के डर से वाक्य को छुपाने की कोशिश की, लेकिन माँ की ममता बेटी की चीखों पुकार सुनकर पुलिस से इंसाफ लेने थाना भिक्की पहुंच गई, जिस पर मुलजिम अवैध को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक बार फिर आपको बताते चले कि शेखपुरा में आबादी जीवनपुरा खुर्द में दरिंदा सिफ्त ने 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला मौका पर पहुंचे तो बच्ची खून में लथपथ पड़ी थी, जबकि मुलजिम फरार हो गया था। रिश्तेदारों ने बदनामी के डर से वाक्य को छुपाने की कोशिश की, लेकिन माँ की ममता बेटी की चीखों पुकार सुनकर पुलिस से इंसाफ लेने थाना भिक्की पहुंच गई, जिस पर मुलजिम अवैध को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।